सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं कितने के ठीक नहीं किया तो जितना मर्जी आप बड़ा गोल सेट कर लो अगर वो गोल अचीव कर भी लिया तो दैट्स नॉट गोइ वाई मजा ही नहीं आ रहा होगा उस टाइम पे आपका हो गया चक्कर क्या है मैंने सब कुछ तो अचीव कर लिया मजा नहीं आ रहा लाइफ में क्योंकि एनर्जी नहीं होगी अंदर से ये एनर्जी कैसे मिलती है वन इज न्यूट्रिशन इज कि कैसे हम अपनी बॉडी में कहा क्या प्रॉब्लम आ रही हैं क्या हम इतने अवेयर हैं कि कहा ब्लॉकेजेस आ रही हैं और उसको खोलने के लिए हमको क्या करना है सही टाइम पे जैसे एयरक्राफ्ट को चेक किया जाता है ना इनफैक्ट हर उड़ान से पहले उसको चेक किया जाता है एक्ट करने से पहले उसको चेक किया जाता है वो एक्ट करने के लायक भी है या नहीं है उड़ने के लायक भी है या नहीं है ऐसे ही हमें अपनी बॉडी को रेगुलरली चेक करना है कि क्या मेरे जो एनर्जी लेवल्स हैं जो भी बॉडी में मेरी एनर्जी है वो गिर रही है या बढ़ रही है जो भी मैं कर रहा हूं उसकी वजह से तो अगर हमको इतना समझ होगा इतनी अवेयरनेस होगी तो जिसकी वजह से गिर रही होगी उसको हम छोड़ते चले जाएंगे जिस तरह से बढ़ रही होगी उसको हम ऐड करते चले जाएंगे हो सकता है जिस तरह से बढ़ रही है एनर्जी उसमें दर्द हो रहा है गेटिंग वेर एम कमिंग फ्रॉम जैसे कोई मसल स्टिफ होती है आई एम नॉट टू श्योर आपने कितना काम किया है आप लोगों ने अपनी बॉडी पे अभी बिकॉज इस एज में तो वी टेक आर बॉडीज फॉर ग्रांटेड फिर एक स्टेज के बाद में जा करके जब वॉट लग जाती है तब हम जागते हैं कुछ जब तक आप फिजिकली फिट नहीं हो एयरक्राफ्ट ठीक नहीं है उसको बोला जाए उड़ने के लिए चल भाई, उड़ तू कोई बात नहीं तेरे अंदर प्रॉब्लम उड़ो उड़ कोशिश तो कर शायद उड़ जाए उड़ेगा नहीं इट क्रैश हो जाएगा या उड़ी नहीं पाएगा उसमें वो पावर ही नहीं होगी कि जहां से टेक ऑफ करना होता है वो कर ही नहीं पाएगा टेक ऑफ बहुत सारे जो हमारी इमोशनल जो उथल पुथल होती है या प्रॉब्लम होती है वी फील सैड एट टाइम्स विदाउट एनी रीजन कोई रीजन नहीं होता लेकिन मूड खराब हो जाता है उसका कनेक्शन हमारी बॉडी से होता है हमें पता नहीं होता है. तो सबसे पहला जो काम है वो है कि अपनी बॉडी पे काम करना है अब बॉडी पे कैसे काम करते हैं हम सोचते हैं कि हाँ भाई जिम चले जाना मतलब बॉडी पे काम करना नहीं वो तो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे हो रहा है या फिर योगा करना मतलब बॉडी पे काम करना नहीं वो सुपरफिशियल लेवल पे हो रहा है वन इज न्यूट्रिशन सेकेंड इज कि जो भी आप कर रहे हैं अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाओ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूं कि अगर आप कुछ करते हो योगा में आपके किसी पार्ट में प्रॉब्लम है मानो बैक में यहां पे प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपके नेक में पेन हो रहा हो या लोअर बैक में हो रहा हो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ वो आपकी नेक पे थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट कुछ करे और वो ठीक हो जाए तीन चार दिन में और आपको मैं तो ठीक हो गया ऐसा नहीं होता है दर इज अ अट्रॉग पॉसिबिलिटी कि जहां पे आपके पेन हो रहा है वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है प्रॉब्लम कहीं और होती है कोई और आपकी मसल है जो स्टिफ है तो उसके स्टिफ होने की वजह से सारा जो लोड आ रहा है वो आ रहा है आपकी अपर मसल के ऊपर और लोअर मसल के ऊपर उस वजह से उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है उस वजह से वहां पर पेन हो रहा है और आप जो मेन एरिया है वहां तक तो आप देख ही नहीं रहे हो ना कोई डॉक्टर देख रहा है तो वहां तक स्ट्रेच को पहुंचाने के लिए यू नीड टू होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रेच फॉर एटलीस्ट अ मिनट हम क्या करते हैं योगा किया क्या समझते हैं योगा का मतलब फटाफट फटाफट एक आसन किया पांच दस सेकंड के लिए होल्ड किया फिर अगले पे आ गए फिर अगले पे आ गए फिर अगले पे आ गए यू नीड टू होल्ड ऑन टू इट तब जाकर के धीरे धीरे आप देखोगे उस पार्ट में सेंसेशन होनी शुरू होगी जो एक्चुअल में स्टिफ है जिसपे एक्चुअल में काम करना है फिर जब वहां पर दर्द होगा तो अगेन यू नीड टू होल्ड ऑन टू इट अंडरस्टैंड की गुड पेन क्या है और बैड पेन क्या है डी वॉन्ट मी टू टच दीज थिंग्स या कुछ है इंटरेस्टिंग लग रहा है yes, बहुत इंपॉर्टेंट है यह बिकॉज आज जो हमारा लाइफ स्टाइल है ना उसमें इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है जो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं और यह कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूं